चाबहार डील पर भारत की अमेरिका को दो टूक। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। ईरान के साथ हुई डील पर काम करता रहेगा भारत। पश्चिम एशिया का द्वार क्या डालेगा संबंधों में दरार। ईरान और भारत के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल की डील हो चुकी है। सामरिक और व्यापारिक नजरिए से ये डील भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह है, लेकिन इस डील के बाद अमेरिका की त्योरियां चढ़ गई हैं, क्योंकि जिस देश से भारत ने ये डील की है उस देश पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, और अब उन्हीं प्रतिबंधों के आधार पर अमेरिका चेतावनी और संभावित जोखिम का जिक्र कर रहा है। Is any entity, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. लेकिन भारत ने भी चाबहार डील को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और अमेरिका को दो टूक शब्दों में जवाब दिया है। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान। Did see some remarks which were made, but I think it's a question of, you know, communicating and convincing and, you know, getting people to understand that this is actually for everybody's benefit. I don't think people should take a narrow view of it, and they have not done so in the past. So if you look at even U.S.'s own attitude to Chabahar in the past, the U.S. Has been appreciative of the fact that Chabahar has a larger relevance. So, we will work at it. भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर ये 10 साल का करार 13 मई 2024 को हुआ है, यानी 10 साल तक भारत चाबहार का ऑपरेशन संभालेगा। यह बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में है। यहाँ दो पोर्ट हैं। पहला पोर्ट शाहिद कलांतरी है, जिसे 1980 में विकसित किया गया, जबकि दूसरा है शाहिद बेशती, जिसे विकसित करने के लिए ईरान ने भारत को न्योता दिया। ये कॉरिडोर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का गेटवे है, जो भारत, ईरान, रूस, पश्चिम एशिया और यूरोप को समुद्र, रेल और रोड के जरिए जोड़ता है। इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई 7,200 किलोमीटर है, जिससे समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार में लगने वाले खर्च में 30% बचत और 40% समय की बचत होगी। यानी चाबहार पोर्ट भारत के व्यापार को और सस्ता और आसान बना देगा। इसी के जरिए अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के काम को भारत अंजाम दे सकेगा। इतना ही नहीं, चाबहार में भारत की मौजूदगी से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकती है। जाहिर है, सामरिक और व्यापारिक नजरिए से ये 10 साल भारत के लिए बेहद अहम है। यही वजह है कि भारत इस मुद्दे पर अपनी विदेश नीति को और आगे तक ले जाने को तैयार है।